हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन स्टैक, पुश एंड पॉप। जो आपके दो ऑपरेशन होते हैं एक स्टैक के ऊपर, वो मैं आपको कराऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है एक स्टैक का, वो कराया था, जो कि आपका स्टैटिक और डायनेमिकली हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एक स्टैक को, वो कराया था। यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको दोनों एल्गोरिदम्स करा दूंगा। आपको पूरा ये सीरीज आप देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर की, ये आप देख लीजिए, आपको बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके बाकी के वीडियोस देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, और एग्जांपल भी मैंने बहुत सारे कराए हुए हैं। सबसे पहले आते हैं हम पुश। बेसिकली मैंने आपको बताया था स्टैक, अगर मान लीजिए मेरे पास स्टैक, बेसिकली अगर हम लोग बुक्स को ऑर्गेनाइज करें, एक बुक के ऊपर दूसरी बुक, तीसरी बुक, चौथी बुक, अगर इस तरह से लेट से मेरे पास चार बुक रखी हुई हैं, तो जनरली जब आपको एक बुक और डालनी होगी तो स्टैक भी उसी तरह से काम करेगा। यहां पर मैं एक और अपना जो है, जो भी एलिमेंट है, लेट से उसकी वैल्यू 10 है, वो डाल दूंगा। तो पुश बेसिकली क्या है, पुश द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। पहले टॉप ये था, अब टॉप ये चेंज हो गया, तो टॉप ऑफ द स्टैक में जैसे ही मैंने कोई एक नया एलिमेंट डाल दिया, उसको प्रोसेस को बोलते हैं पुश। अब इसकी एल्गोरिदम देखते हैं। पॉप बेसिकली है, अगर मैं पॉप की भी यहीं पर बात करूं, तो जैसे ही मैंने एक एलिमेंट हटा दिया, लेट से मेरे पास ये तो था ही नहीं, और यहां से मैंने ये 8 को अगर मैं डिलीट कर देता हूं, तो यहां पर जो भी टॉप था वो शिफ्ट होके यहां पर आ जाएगा, टॉप एक माइनस हो जाएगा, और अगर मैं इसको हटा दूं तो ये बेसिकली मेरा पॉप ऑपरेशन बन गया। एक चीज को मैंने बाहर निकाल दिया। आप कहीं से भी कोई भी एलिमेंट नहीं कर सकते स्टैक में, हमेशा जो टॉप का एलिमेंट है वो ही डिलीट होगा, या फिर टॉप पर ही एलिमेंट नया आएगा। तो सबसे पहली चीज अगर देखो, अगर आपका स्टैक जिसकी मेमोरी लेट से 5 थी, अगर यहां पर 5 है, तो इसका मतलब अभी 2 एलिमेंट और आ सकते थे इसके पास, या फिर अगर इसकी 3 ही होती, ये स्टैक सिर्फ 3 एलिमेंट ही रख सकता है, तो बेसिकली अगर मैं नया कुछ डालने की कोशिश करता तो वो नहीं आ पाता। अब इसी की हमें बेसिक एल्गोरिदम लिखनी होती है, ये एल्गोरिदम आ जाती है एग्जाम में कि किस तरह से आपका पूरा ये ऑपरेशन होता है, टॉप कैसे जाता है आपका, टॉप मूव कैसे करेगा, और स्टैक को कैसे डाटा एंटर कराना है, उसका एल्गोरिदम मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में करा देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं पुश का एल्गोरिदम। लेट से मेरे पास एक ये स्टैक है जिसमें कि मेरे पास लेट से इसका टॉप टिल 5 जा सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा, 5 ही एलिमेंट ये स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पर पुश में सबसे पहली एल्गो अगर मैं देखूँ, इसके एल्गो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप हमें एल्गोरिदम में करना होता है, दैट इज हम लोग चेक करेंगे कि ये जो टॉप है, अब इसमें अगर देखिए तो ये मेरा टॉप है, जो मेरा टॉप है क्या ये टॉप बिल्कुल मैक्सिमम लिमिट तक है। अगर लेट से मैं कहता यहां पर भी ये 2 वैल्यूज हैं, अब मैं नया अगर कोई एक एलिमेंट इंसर्ट कराने की कोशिश करता तो वो बेसिकली नहीं होता, क्योंकि मेरा ये पूरा जो स्टैक है वो पूरा भरा हुआ है और ओवरफ्लो हो जाता। तो सबसे पहले काम आप यही करते हैं, ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करना। जैसे कि आपने जब मैंने इससे पहले आपको एरे का कराया था, एरे में भी जब हमने, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, तो सबसे पहले हम टॉप या फिर जो भी मैक्सिमम जो आपकी ओवरफ्लो की कंडीशन है उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स, अगर मेरा टॉप मैक्स के इक्वल है तो आप सीधा प्रिंट करा दो ओवरफ्लो एंड एग्जिट। तो अब इस कंडीशन में देखेंगे आपका टॉप अभी मैक्स के इक्वल नहीं है, तो आप सेकंड पॉइंट पर जाओगे। सेकंड पॉइंट आपका जो है वो है, आपको कराना है रीड क्या डेटा, जो आपको डेटा एंटर कराना है यहां पर लेट से जो भी, उसको आपको रीड कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब यहां पर आप, क्योंकि यहां पर आप डेटा डालेंगे तो टॉप जो है वो चेंज हो जाएगा आपका, तो आप टॉप को करिए, टॉप की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट कर देंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। सो यहां तक होने के बाद नेक्स्ट आपका है, आपका जो स्टैक टॉप है
स्टैक टॉप को आपने एड्रेस किया और इसमें आप अपना जो डेटा है वो पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आपका डेटा पुट हो गया है, यही मेरे को करना था। लास्ट में आप एग्जिट कर सकते हैं अपने एल्गोरिदम को। बस इतनी सी ही इसकी एल्गोरिदम थी, ये बिल्कुल सिंपल आपका पुश का एल्गोरिदम था। इसी तरह आपका बहुत ही इजी पॉप का एल्गोरिदम भी है, 2 मार्क्स में आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो उस हिसाब से ही आपको करना है। इतना ही है, इसके अलावा इसके स्टेप नहीं है। किसी भी बुक में देख लीजिए, अलग अलग अगर नोटेशन भी रहेंगे, इससे ज्यादा कहीं आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपने चेक करा ओवरफ्लो, रीड कराया, टॉप को बढ़ा दिया और टॉप के अंदर डेटा डाल दिया, बस इतना ही आपको करना होता है पुश में। अब देखते हैं पॉप। स्टूडेंट्स, मुझे पॉप कराना है, मतलब मेरे को लेट से यहां पर ये एलिमेंट को डिलीट कराना है। तो सबसे पहली चीज, आप जब भी डिलीट कराते थे तो आप अंडर फ्लो की कंडीशन चेक करते थे, तो मैं सबसे पहले चेक कर लूंगा इफ टॉप इज इक्वल टू नल, प्रिंट अंडर फ्लो एंड एग्जिट। अंडर फ्लो बेसिकली, अगर मेरे स्टैक में लेट से कोई एलिमेंट है ही नहीं तो मैं डिलीट क्या कराऊंगा, तो वो कंडीशन होती है आपकी अंडर फ्लो की। सेकेंड पॉइंट आ गया। अब यहां पर मेरे को चेंज कराना है, बेसिकली मैं यहां पर इसको डिलीट करने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं जो भी एलिमेंट है यहां पर टॉप में उसको नल कर देता हूं और उसके बाद टॉप को चेंज कर दूंगा, तो बड़े ही आराम से मेरा पॉप का जो मेरे को काम प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी। तो उसी तरह से, तो एल्गोरिदम में इसको लिखेंगे कैसे, स्टैक का जो टॉप है, अभी मेरा टॉप है स्टैक का ये, उसको मैं नल कर देता हूं। अब बहुत ही सिंपली आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका जो रहेगा टॉप को आप डिक्रीमेंट कर दिए। यहां पर अब मान लो अगर कुछ नहीं बचा, नल कर दिया, तो टॉप ये नहीं बचा ना, टॉप को यहां इसको टॉप बनाना पड़ेगा। तो टॉप को आप कर दो टॉप, डिक्रीमेंट कर दिया एक -1, और आप यहां पे एग्जिट कर सकते हैं। तो जो दोनों एल्गोरिदम्स थी बहुत ही सिंपल थी, 2 मार्क्स में आपके आ जाएंगी, सिर्फ 3 या 4 पॉइंट ही रहते हैं, इससे ज्यादा इनमें पॉइंट नहीं है। आपको पहले चेक करना है कंडीशन को और उसके बाद एलिमेंट को डिलीट करना है, टॉप को चेंज करना है या एलिमेंट को ऐड करना है और डिलीट जो भी है टॉप को फिर से चेंज करना है। वहां पर आपको एक स्टेप ज्यादा था, वहां रीड कराना होता था डाटा को, या 4 है वहां 5 थे। अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस क्या है, उनके इंटर कन्वर्जन्स क्या है। आप यहां पर मेरे चैनल पर अगर देख लेंगे तो गारंटीड है आपको कोई बुक भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो भी क्वेश्चन आपको पकड़ा दिया जाएगा वो आप कर लेंगे। सो उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे सारे वीडियोस को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, या हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट देखें। पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, टेकिंग द लीस्ट टाइम, तो आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।